हाँ तो अभी हम जा रहे हैं पंजाबी वेडिंग में। ये जो हमारे ऊपर जो आती है उनकी लड़की की शादी है, तो 3-4 दिन से ये प्रोग्राम था। अभी आज शादी है और कल रिसेप्शन है, तो अभी हम रेडी हो चुके हैं। हमारे एक फ्रेंड हमको लेने के लिए अभी आ रहे हैं। नाम दिया आर यू एक्साइटेड टू अटेंड पंजाबी वेडिंग? ये रहा कार्ड, ये वेडिंग का और रिसेप्शन दोनों का कार्ड है। अभी हम सब रेडी हो के नीचे बाहर आ चुके हैं। अभी वेट कर रहे हैं दुल्हन का। और ये जो अंकल है ये गुजराती ही है, लेकिन उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है। ये पटेल है, हमारे चरोतर के गुजराती है। और ये दुल्हन आ चुकी है, उनके साथ जो दो वो दोनों भाई है उसके। और ये हमारे फ्रेंड है प्रग्नेश भाई, उनकी अपनी पिज़्ज़ा की शॉप है शिकागो पिज़्ज़ा करके। पृथ्वी पृथ्वी कोकने जॉइन मलकाईचा पॅच स्वरांजी मलकाई ठीक खबर पड़े जो हसवन चालू कर दी तू। 3 स्टार्ट। और ये वेडिंग लोकेशन है ब्रुक साइड गुरुद्वारा आया सरी में, वहाँ पे हम अभी आ चुके हैं। और ये अंकल है जिनकी बेटी की शादी है। पहले हम इस लोकेशन पे आ चुके हैं जब हमें टैक्स फाइलिंग करना था, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, तभी हम यहाँ पे आए थे। और ये अभी हम दूसरी बार आए हैं। हाय स्वरा, स्वरा अरे बहुत ना, नो नो मम्मा, नो मम्मा, ये જોઈ ગયો ને એટલે હવે હવે ના રે હવે ના એને બહુ દિવસ થી નહી ગમતું ગરમી લાગી છે અંદર ના ના માનું હું તો વિડીયો જ લઉં છું એમ બી વિડીયો લે છે મેમોરીઝ માટે સારું પણ ઓકે હા હા ચોરા હાઈ કર હાઈ और ये वेलकम ड्रिंक है, चलो उसके साथ स्टार्ट करते हैं। और ये आंटी है जिसकी बेटी की शादी है अभी, बहुत ही अच्छे है ये। ये कुछ पिक्स है हम जो हमने उनके साथ लिए कुछ पिक्स। हाँ तो ये अभी अभी दूल्हा आ चुका है। तो ये पंजाबी वेडिंग में क्या होता है कि जब भी दूल्हा आता है तो सब
आमने सामने वाले लोग एक दूसरे को हार पहनाते हैं, जैसे कि लड़की वालों को तरफ से उनके बड़े पापा आए तो सामने भी बड़े पापा आए कि वो दोनों एक दूसरे को हार पहनेंगे। फिर बारी बारी करके 7-8 लोग ऐसे आते हैं दोनों साइड से और एक दूसरे को हार पहनाते हैं। और ये आते ही पहला ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट में पनीर पकौड़ा है, समोसा है, सैंडविच 2-3 टाइप की है। फिर मैंने तो ये सब लिया। ये रसगुल्ले मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं तो मैंने रसगुल्ले, बर्फी थी साथ में, कुछ मिठाइयाँ और भी रखी हुई थी। और इसमें क्या होता है कि जिसको भी जिसका भी वेडिंग है वो यह गुरुद्वारा में अपना खुद का कैटर्स वाले लेके आते हैं और वो ही सब कुछ यहाँ पे वेटर वो सब उनके याद में होते हैं, वही सब कुछ यहाँ डिसाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने होटल ताज का कैटर्स रखा है तो ये सब गुरुद्वारा का नहीं होता, वो कैटर्स वाले ही सब अरेंजमेंट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी दुल्हन है उसके आगे एंट्री के लिए 4 छोटी बच्चियाँ रहती है, वो ब्राइडल गर्ल कुछ फ्लावर गर्ल या कुछ कहते हैं वो बनती है, वो आगे पहले जाती है, फिर उसके पीछे दुल्हन और उसके भाई साथ में जाते हैं। और ये वेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे कुछ आठ पढ़े जाते हैं। और यहाँ फेरे भी हमारे जैसे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ फेरे में क्या होता है कि 4 ब्रदर है जो साथ में खड़े रहते हैं, वो बारी बारी दुल्हन एक के पास से फिर दूसरे के पास फिर तीसरे के पास ऐसे जाती है और पूरा एक राउंड पूरा करती है और ऐसे 3 या 4 फेरे लगाती है। देखो ये पहले एक ब्रदर के साथ गई, फिर दूसरा ब्रदर उसको लेता है और फिर वहाँ से पूरा एक राउंड कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे फाइनल जो पार्ट बोले जाते हैं वो एक दूसरे के लिए फॉरएवर के लिए हो जाओगे ऐसा कुछ उनकी लैंग्वेज में ये पाठ बोलते हैं और जो फाइनल डिसीजन रहता है यहाँ पे ही हो जाता है। यहाँ पे आपकी साइन ली जाती है, कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो उसमें भी साइन ली जाती है, फिर वेडिंग हो जाती है पक्की। इतना टाइम लगा नहीं, 1 घंटे में तो वेडिंग हो गया। अभी हमारे में तो बहुत ही टाइम लगता है, डांस होता है, गरबा करते हैं, लड़की जब आती है तब भी, फिर पूरी रस्म में भी बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे इतना टाइम हुआ नहीं, यहाँ पे गिफ्ट सेरेमनी भी नहीं होती कि हमारे में 1 घंटा तो गिफ्ट देने में ही चला जाता है। और ये लंच में तो मैंने कुछ खाया नहीं, और ऑलरेडी मैंने ब्रेकफास्ट में सारा कुछ खा लिया था, फिर भी आई थिंक 2-3 सब्जी है, फिर गुलाब जामुन है, फिर सलाद है, पास्ता है, ये सब कुछ है। रूट